जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के बेस कैंप पर आतंकी हमला। आतंकवादी हमले में दो जवान घायल बताए जा रहे हैं। सेना पुलिस की कई टीम मौके पर मौजूद। डोडा में आतंकी हमले के बाद एक्शन में भारतीय सेना। छतरगला क्षेत्र में पुलिस और सेना ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन, तलाशी अभियान जारी। इधर डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। देर रात सेना के कैंप पर आतंकियों ने गोलीबारी की है। रियासी बस हमले के दो दिन बाद कठुआ में आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हमले में दो नागरिकों को गोली लगने की खबर। आतंकियों ने कठुआ के हीरा नगर इलाके में घर में घुसकर पिता पुत्र को मारने की कोशिश की। गोलीबारी में घायल हुए दोनों को इलाज के लिए हीरा नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद जंगल की तरफ भाग निकले आतंकी। हीरा नगर के वन क्षेत्र में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी। तीन आतंकियों के दिखे थे संदिग्ध मूवमेंट। इधर पीएमओ में राज्य मंत्री और जम्मू से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया। जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में। आतंकी हमले के बाद एडीजीपी आनंद जैन का बयान, कहा बंधक और नागरिकों की मौत की खबर अफवाह। दो नागरिकों को गोली लगी है, उन्हें वो घायल है। आतंकवादी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रिहायशी आतंकी हमले के 48 घंटे बाद लश्कर के एक आतंकी को ढेर कर दिया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। तो रियासी पुलिस ने शिवखोड़ी हमले में आतंकवादी जो था उसका स्केच जारी किया, साथ ही 20 लाख रुपए इनाम की घोषणा भी की है। जम्मू में तीर्थ यात्रियों पर हमले के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन। बजरंग दल करने वाला है। आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी। झांसी में हिंदू जागरण मंच ने पाकिस्तान और आईएसआई का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर नाराजगी जताई गई। रिहायशी हमले में मारे गए चार मृतकों के शव जयपुर लाए गए। मृतकों के परिजनों में पसरा मातम का माहौल। आतंकी हमले का शिकार हुए चार लोग। रिहायशी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार ने की सरकार से इंसाफ की मांग की गई। देश के नए सेना प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। 30 जून को पदभार संभालेंगे जनरल उपेंद्र। शपथ ग्रहण से पहले चंद्रबाबू नायडू से जेपी नड्डा ने मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कुछ एनडीए और केंद्रीय सहयोगी दलों के नेता भी हिस्सा लेंगे। आज चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इधर केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:27 पर शपथ ग्रहण करेंगे। विधानसभा चुनाव में नायडू की अगुवाई में एनडीए अलायंस ने 175 में से 164 सीटें जीती। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन मांझी। आज लेंगे सीएम पद की शपथ। केवी सिंहदेव प्रभाती परिदा संभालेंगे डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। ओडिशा में नई सरकार पर बोले बीजेपी नेता प्रताप चंद्र सारंगी, कहा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं पीएम। ओडिशा में बनाया महिला को उप मुख्यमंत्री। ट्राइबलों का सम्मान भाजपा ही करता है और दलितों का सम्मान भाजपा ही करता है। भाजपा सरकार ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन को जनजाति कल्याण दिवस के रूप में मनाया है। 13 से 15 जून के बीच इटली के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। G7 में होंगे शामिल। इटली के पीएम ने भारत को भेजा है न्योता। इधर राजधानी दिल्ली में जल संकट के बीच कई इलाकों में बिजली गुल है। हालात पर बोली मंत्री आतिशी, कहा नेशनल पावर ग्रिड हुआ फेल। पानी की समस्या को लेकर आतिशी ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा, कहा हरियाणा की सरकार जानबूझकर अवैध रूप से दिल्ली को पानी की आपूर्ति रोक रही है। दिल्ली में बढ़ते पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने दाखिल की याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने 21वीं सदी में पूर्वोत्तर को छोड़कर किसी भी आदिवासी मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया।
और महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव से पहले एमवीए में दरार। कांग्रेस ने उद्धव से दो प्रत्याशियों का नाम वापस लेने को कहा है। उम्मीदवारों की एक तरफा घोषणा को लेकर नाराजगी जाहिर की। एनसीपी नेताओं ने अजीत पवार के सामने रखी बड़ी मांग। सुनेत्रा पवार को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की बात कही है। अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईसीईटी पहल की समीक्षा के लिए कर सकते हैं भारत का दौरा। नीट की परीक्षा दोबारा करवाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम कराने वाले एनटीए को नोटिस जारी किया और साथ ही कहा प्रभावित तो हुई है नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी फिर से कराने पर केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा। परीक्षा के रिजल्ट को लेकर देश भर में विवाद जारी। नीट परीक्षा विवाद को लेकर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। सीबीआई से जांच कराने की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले भ्रष्ट आचरण गरीब छात्रों का खराब कर रहा भविष्य। नीट परीक्षा विवाद के बीच फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने एससी में दायर की है याचिका। अदालत से नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए मांग की। नीट पर एनटीए के खिलाफ शिकायतों की बौछार। प्रेस ग्रेस मार्क देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। नीट परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर झांसी में प्रदर्शन। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नीट परीक्षा के परिणाम में हुए भ्रष्टाचार को लेकर हमीरपुर में आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन दिया। कहा 14 जून को आने थे नतीजे, समय से पहले घोषित कर दिए गए। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में चूहों और कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। मरीजों के अटेंडर हो रहे परेशान। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बदायूं में बिजली कट की समस्या ने बढ़ाई मुश्किल। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हो रहा है मरीजों का इलाज। अस्पताल में मौजूद अधिकारी नहीं ले रहे कोई एक्शन। बिहार के मुजफ्फरनगर में चीनी नागरिक की मौत की खबर। कुछ दिनों पहले बिना वीजा के पकड़ा गया था शख्स। मामले की जांच जारी। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद। सुल्तानपुर जिले में आपसी रंजिश के चलते बीजेपी नेता पर गोली चली। फायरिंग में बाल बाल बचे नेता। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। दो तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। राजस्थान के जयपुर में नकली आभूषण घोटाले मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी जौहरी को गिरफ्तार किया। इंस्टाग्राम बिजनेस से विदेशी महिला को हीरा बताकर 300 रुपए के पत्थर को 6 करोड़ में बेचा था। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फर्जी एसओजी टीम बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 युवकों को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। कब्जे से अवैध असलहा और नकदी बरामद। बुलंदशहर में महिला के धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। खुर्जा के कब्रिस्तान में पड़ा मिला महिला का शव। खुर्जा पुलिस ने महिला प्रेमी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। यूपी के एटा में दो पक्षों के बीच चले जमकर लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। रास्ते में चारपाई बिछाने को लेकर हुई थी मारपीट। पुलिस मामले की जांच कर रही। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में गल्ला मंडी में एक शख्स का मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेरा के दरभंगा में बुजुर्ग महिला से 25,000 की लूट। महिला के शोर मचाने पर भीड़ ने बदमाशों को पकड़कर जमकर पीटा। दोनों को पुलिस के हवाले। गाजियाबाद में ज्वेलरी व्यापारी पर बदमाशों ने गोली चलाई। नकदी और जेवरात लूटकर फरार हुए। घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाजियाबाद में मैक्स अस्पताल में इलाज कराने आई उज्बेकिस्तान की महिला ने सुसाइड कर लिया है। बाथरूम में टॉवल हैंगर से लटका मिला शव। पति के साथ इलाज कराने आई थी महिला। यूपी के रामपुर में नकली शराब फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब, थिनर, यूरिया और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। लोन को लेकर विवाद पर मौत के घाट उतार डाला। पुलिस घटना की जांच में जुटी। गाजियाबाद में देर रात चोरों ने मेडिकल के दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। पुलिस तलाश में जुटी।
यूपी के गोंडा में एक लड़की की गला रेतकर हत्या का मामला। लड़की के पिता ने भाई भतीजे पर लगाया हत्या का आरोप। परिवार के तीन भाइयों में पुश्तैनी मकान को लेकर चल रहा था विवाद। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अवैध हथियार तस्करों पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 7 पिस्टल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मऊ में 25,000 के नामी बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। पिछले 2.5 साल से फरार था बदमाश मोनू साहनी। भाभी की हत्या से गायब था बदमाश। बलिया में पत्नी ने पति की सुपारी देकर हत्या करवाई। 2 लाख की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने खुलासा किया। बांधा में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसी विवाद के बीच पति ने किया था हमला। मुजफ्फरनगर में मजदूरों को अपने वाहनों का भाड़ा मांगना भारी पड़ गया। दुकान मालिकों ने दी मजदूरों को तालिबानी सजा। हाथ बांधकर जाल पर लटकाया, जमकर पिटाई की। उत्तराखंड में कैची धाम के पास जंगल में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचा। आग बुझाने के प्रयास जारी। नोएडा सेक्टर 37 में एक पेट्रोल पंप और टीवीएस शोरूम में लगी आग। लाखों का नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।